दोस्तों KGF 1 के बाद आखिरकार KGF 2 मूवी भी रिलीज हो चुकी है और रॉकी के फैंस ने KGF 1 से भी ज्यादा प्यार KGF 2 को दिया है। इस बात की झलक फिल्म के रिलीज होने के पहले ही दिन से और एडवांस बुकिंग से देखने को मिल रही है। जबकि दर्शकों पर हाल ही में RRR का एंटरटेनमेंट डोज भी चढ़ा था, वो भी अभी खत्म नहीं हुआ कि एक और ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट डोज देखने को मिला KGF 2। खैर, यहाँ पर हम फिल्म से ज्यादा बात करेंगे असलियत की। जी हाँ, आज सिनेमा घरों में जो एक बार फिर से सलाम रॉकी भाई गूंज रहा है, KGF 2 रिलीज हो रही है। लेकिन कर्नाटक राज्य के कोलार में स्थित सोने की खदानों पर बेस्ड ये फिल्म जो हमें दिखाई गई है, उससे भी ज्यादा भयानक है KGF की असली कहानी। जी हाँ, अब यहाँ पर फिल्म की स्टोरी की बात नहीं करेंगे बल्कि KGF की रियल स्टोरी की बात करेंगे और जो आपको एक ही इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ये रियल स्टोरी आपको पार्ट 1 या पार्ट 2 में नहीं मिलेगी, तो देर किस बात की। आइए जानते हैं दोस्तों कि साल 1800 से लेकर 1900 और 2000 तक के सफर में KGF के हालात क्या रहे, किन किन लोगों ने KGF पर हुकूमत जमाई और सोने की अपार खुदाई और एक्सपोर्ट किया। KGF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कोलार गोल्ड फील्ड्स। कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में कोलार नाम का एक जिला स्थित है। जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर रॉबर्ट्स पेट एक तहसील है और यहीं पर यह सोने की खदान है। कोलार बंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर है। कोलार गोल्ड फील्ड दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खदान है। जानकारी के लिए बता दूं, पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका की ओनेंग गोल्ड माइंस है जो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और उसके बाद अगर दुनिया भर के सभी देशों में कोई बड़ी सोने की खान है तो वो है KGF। हम इस फिल्म के असली व्यू पर नजर डालते हैं कि आज आखिर ये KGF किस हालात में है, यहाँ सोने की खोज सबसे पहले किसने की, कैसे खुदाई शुरू हुई और कितने सालों तक चली, इन खदानों से आज दिन तक कितना सोना निकला और वो कहाँ है। अगर भारत में इस खदान से कई टन सोना निकाला गया तो आज भी आखिर हमारा भारत दुनिया के सबसे रईस कंट्री में क्यों नहीं आता। आइए कुछ नजर डालते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में कोलार जिले में KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स नामक जगह है, वही सोने की माइंस है और जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माइंस है। राइट दोस्तों, एक वक्त था जब भारत में KGF से हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते थे लोग, और ये बात का पता जब ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन चोलवंश को पता चला कि लोग बाग हाथ से खोदकर उस खदान वाली जगह से सोना निकाल लेते थे, तो इसी बात से प्रभावित होकर वॉरेन ने गांव वालों से कहा कि जो इस खदान से सोना निकाल कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। और इनाम पाने के लालच में ग्रामीण लेफ्टिनेंट वॉरेन के सामने मिट्टी से भरी एक बैलगाड़ी लेकर आ गए कुछ लोग। गांव वालों ने वॉरेन के सामने मिट्टी को पानी से धुला तो उसमें सोने के अंश दिखाई दिए और उस समय वॉरेन ने करीब 56 किलो सोना निकलवाया। 1804 से लेकर साल 1860 तक काफी पड़ताल की गई, लेकिन इस समय के दौरान किसी के हाथ कुछ खास नहीं लगा और इस शोध के चलते काफी लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा, जिसके कारण वहां खुदाई पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया। लेकिन KGF में वापस शुरुआत होती है 1871 में कोलार में फिर से शुरू हुई रिसर्च। न्यूजीलैंड से भारत आए रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्ज़गेराल्ड लवेली 1804 में एशियाटिक जनरल में छपी एक रिपोर्ट को पढ़ते हैं, देखते हैं और उसके बाद कोलार गोल्ड फील्ड को लेकर वो काफी उत्साहित हुए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको वापस शुरू करूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि बंगलुरु के पास है KGF, 100 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच, तो उस समय ब्रिटिश सैनिक माइकल लवेली ने बंगलुरु में रहने का फैसला किया ताकि वहां से ऑपरेशंस को आसानी से हैंडल किया जा सके। लवेली ने 1871 में बैलगाड़ी से करीब 100 किलोमीटर की दूरी का सफर किया और इस सफर के दौरान लवेली ने खनन की जगहों की पहचान की और सोने के भंडार वाली जगहों को खोजने में वे सफल रहे। लवेली ने 2 साल खोज पूरा करने के बाद सन 1873 में मैसूर के महाराज जो कि वहां के तत्कालीन महाराज थे, वहां की सरकार से कोलार में खनन करने का लाइसेंस मांगा और किस्मत से लवेली को 2 साल बाद तकरीबन 2 फरवरी 1875 को खनन करने का लाइसेंस मिल भी गया। लेकिन माइकल लवेली के पास इतना पैसा नहीं था कि वो वहां पर माइनिंग करवा सके, तो उस दौरान भी उन्होंने इन्वेस्टर ढूंढे और खनन का काम जॉन टेलर और सन्स नाम के दो बड़े रईस बंदे थे। वो इसलिए रईस थे कि वो उस समय भी एक ब्रिटिश कंपनी चलाया करते थे और कंपनी के मालिक थे, तो उनके पास उस समय भी अच्छा पैसा था। उन दोनों को पार्टनरशिप में रखते हुए वहां पर माइनिंग का काम शुरू कर दिया और आखिरकार KGF से सोना निकलने का काम शुरू हो गया। साल 1905 में यानी 1905 में भारत जो है वो सोने के उत्पादन में दुनिया का 6ठा देश बन गया। जॉन टेलर और सन्स ने 1880 में माइनिंग ऑपरेशन को टेक ओवर कर लिया। स्टेट ऑफ द आर्ट माइनिंग इंजीनियरिंग उपकरण लगाए और इनके द्वारा साल 1890 में लगाया गया उपकरण 1990 तक चला, यानी कि 100 साल तक का यह ऑपरेशन
प्रोडक्शन था। 1902 में KGF भारत का 95% सोना निकालता था। मतलब देखिए आप, दुनिया में भारत सोने के उत्पादन में छठे नंबर पर आ गया, यानी कि दुनिया का छठा सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोडक्शन करने वाला देश बन गया KGF के चलते, ठीक है ना। और इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए कि भारत में जितना सोना निकलता था उसका 95% सोना तो सिर्फ KGF कोलार गोल्ड फील्ड से निकलता था। अमेजिंग राइट। साल 1905 में गोल्ड प्रोड्यूस करने में दुनिया में भारत सबसे सफल देशों में से एक रहा। हालांकि दोस्तों उस समय मशीनी उपकरण इतने नहीं थे, इसके कारण गोल्ड माइनिंग में बड़ी मुसीबतें आती थी। इससे पहले का जो ये ऑपरेशन चल रहा था 1880 के दशक में, माइनिंग ऑपरेशन बेहद कठिन था क्योंकि लाइट भी कुछ चुनिंदा जगहों पर ही हुआ करती थी, इसलिए लिफ्ट वगैरह भी नहीं थी। माइनिंग्स में जाने के लिए शार्प हुआ करते थे जिसमें लकड़ी की बीम से सपोर्ट किया जाता था। इसके बावजूद यहाँ पर कभी कभी हादसे हो जाते थे और माना जाता दोस्तों कि 120 साल के इस ऑपरेशन में लगभग 6000 लोगों की मौत हुई। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि लाइट की कमी होने की वजह से गोल्ड माइनिंग के दौरान दिक्कत आती थी। तब इस लाइट की कमी को पूरा करने के लिए भारत में कर्नाटक के मांड्या जिले के शिवन समुद्र में पहला पावर प्लांट भी लगाया गया। कोलार गोल्ड फील्ड्स में लाइट की कमी को पूरा करने के लिए कोलार से तकरीबन 130 किलोमीटर की दूरी पर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया। ये पावर प्लांट एशिया का दूसरा और भारत का पहला बिजली केंद्र था। ये भी इंटरेस्टिंग बात देखिए कि भारत में सोने की खदान की खुदाई करने के लिए देश का पहला बिजली प्लांट भी शुरू हुआ और एशिया का पूरा एशिया महाद्वीप के सभी देशों का दूसरा बिजली प्लांट भी था। बिजली मिलने के बाद कोलार गोल्ड फील्ड का काम दुगना हो गया क्योंकि इस केंद्र का निर्माण कर्नाटक के मांड्या जिले के शिवन समुद्र में किया गया। सोने की खदान के चलते बंगलुरु और मैसूर के बजाय अब KGF को प्राथमिकता मिलने लगी और उस वक्त के दौर में कोलार को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था क्योंकि वहां पर इतना सोना निकलता था और सोने की वजह से वहां का डेवलपमेंट भी अच्छा था, इसलिए उसे मिनी इंग्लैंड कहा जाने लगा। क्योंकि कोलार में सोना की खुदाई होने के बाद यहां की सूरत तस्वीर ही बदल गई। माइनिंग के साथ साथ यहां के आसपास के ग्रामीण और शहरी इलाकों में डेवलपमेंट भी देखा गया क्योंकि यहां पर ब्रिटिश इंजीनियर अधिकारियों और दुनिया भर के अन्य रईस लोगों के बंगले, हॉस्पिटल, गोल्फ कोर्स, क्लब, जिम, स्पा सब कुछ बन गए थे। उस वक्त के दौर में भी जगह काफी ठंडी थी और वहां पर लोग ब्रिटिश अंदाज में घर बनाने लगे। इन्हीं निर्माण की वजह से KGF मिनी इंग्लैंड जैसा लगने लगा, लेकिन जो लोग माइनिंग में काम करते थे यानी मजदूरी करते थे उनके लिए हालात इंग्लैंड जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो कूली लेन में रहते थे जहां पर सुविधाएं कम थी, एक ही शेड में कई परिवार रहते थे, उनका जीवन बेहद कठिन था। ये जगह चूहों के हमले के लिए प्रसिद्ध थी। बताया जाता है कि यहां रहने वाले श्रमिकों ने एक साल में करीब 50,000 चूहे मार दिए थे और ये मजदूर ठीक वैसे ही हालातों में रहते थे जैसे झोपड़ियां टेंट बना करके KGF फिल्म में रहते हुए हमें दिखाया जाता है ना, ठीक वैसे ही हालात थे। वक्त का दौर आगे बढ़ता जाता है। साल 1956 में 1956 में KGF पर सरकार का कंट्रोल आ जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि तब तक तो हमारा देश भी आजाद हो चुका था। खैर थोड़ा उससे पहले की बात करें, साल 1930 में 1930 में कोलार गोल्ड फील्ड में करीब 30,000 मजदूर काम करते थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भारत की सबसे बड़ी माइनिंग में से एक थी उस वक्त के दौर में। लेकिन वक्त के साथ साथ KGF में सोने के भंडार में कमी होने लगी क्योंकि खुदाई का काम काफी गहरा चला गया था। तब कामगार भी कोलार छोड़कर जाने लगे। हालांकि KGF पर आजादी तक अंग्रेजों का कब्जा रहा, लेकिन आजादी के बाद साल 1956 में केंद्र सरकार ने इसका कंट्रोल अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वहीं ज्यादातर खदानों का स्वामित्व राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। भारत के सोने का 95% उत्पादन करने वाली खदानों को बंद होने से बचाने के लिए राष्ट्रीयकरण भी किया गया। साल 1979 तक यानी कि 1979 तक काफी घाटा होने लगा KGF से। हालात ये हो गए कि मजदूरों की सैलरी भी KGF नहीं दे पा रही थी। तब जाकर के साल 2001 में कोलार गोल्ड फील्ड्स को बंद कर दिया गया। ये कुछ तस्वीरें जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों वहां के असली झुग्गी झोपड़ियों की जहां मजदूर वगैरह काम करते थे। लेकिन 2001 के बाद KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड बिल्कुल खंडहर जैसी हो गई। सोना निकालने वाली सुरंगें पानी से भर चुकी हैं। आज भी कोलार गोल्ड फील्ड में माना जाता है कि इतना सोना है जिसको निकालने से देश पर पड़ने वाला बोझ कम हो सकता है। लेकिन अब उतनी एक साथ मात्रा में एक साथ जगह पर सोना नहीं होने के कारण इसका प्रोडक्शन थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि काफी सोना अभी भी KGF में अवेलेबल है। KGF से कभी इतना सोना निकलता था कि हमारे देश को इम्पोर्ट करने की जरूरत तो न के बराबर थी, उल्टा भारत सोने का एक्सपोर्ट भी करता था। KGF जब से बंद हुआ तब से भारत पर इम्पोर्ट करने का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। जो सुरंगे सोना निकालने के लिए खोदी गई थी अब उनमें पानी भर चुका है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, उस सोने को निकालने के लिए अभी जो लागत लगेगी वो सोने से भी ज्यादा आएगी, इसलिए उस सोने को गवर्नमेंट की तरफ से नहीं निकाला जा रहा। हालांकि दोस्तों 2001 में काम बंद होने के बाद 15 साल तक तो KGF ठप पड़ा रहा। 2015 तक साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में KGF को फिर से काम शुरू करने के एक संकेत मिले थे। साल 2016 में KGF
के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए टेंडर निकालने की बातचीत भी हुई थी। फिलहाल केजीएफ को लेकर सारे संकेत ठंडे बस्ते में है। उन घोषणाओं का क्या हुआ, उन टेंडर का क्या हुआ, अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन एक सवाल कि अगर कोलार खदान को फिर से खोला जाए तो भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा। आपको बता दूं, चीन के बाद सोने की खपत में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है और कोलार में आज भी काफी सोना बचा हुआ है। केजीएफ का खुलना इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जिस तरह सोने की डिमांड मांग बढ़ती जा रही है उसे वहां से पूरा किया जा सकता है। इससे देश पर पड़ रहा थोड़ा बोझ भी कम होगा और लोगों को रोजगार वगैरह भी मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार भारत ने साल 2021 में 1067 टन सोना इंपोर्ट किया था, यानी कि इतना सोना विदेशों से आयात किया और ऐसे में भारत में गोल्ड इंपोर्ट का बोझ बढ़ता जा रहा है और इसीलिए केजीएफ जैसे एकाध और खदान का मिलना कितना जरूरी हो गया आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, कुछ यूं थे ही केजीएफ की हिस्ट्री, इतिहास और केजीएफ की पूरी कहानी, इसके जन्म से लेकर आज तक के हालातों तक। उम्मीद है इसकी सारी स्टोरी आपको पता चली होगी। मूवी से काफी अलग है, फिल्म में थोड़ा तड़का मसाला लगाया गया ताकि दर्शक ज्यादा रोमांचित हो। हालांकि मूवी का भी जो मेन कंक्लूजन सारांश निकलता है, अगर हम एक लाइन में फिल्म को डिफाइन करें तो काफी हद तक केजीएफ की रियल स्टोरी को रिलेट करती है वो। खैर दोस्तों, आपने केजीएफ 2 मूवी देखी या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आपके उसके बारे में क्या रिव्यू है, क्या विचार है। आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार्स आप देना चाहेंगे उसको, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।